श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी बस, और आपको बता दें कि बस में सवार करीब 25 सवारी घायल हो गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है, जाकि छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी बस, श्रद्धालुओं से करीब 25 लोग इसमें सवार थे, 25 लोग सवार थे जो कि घायल अवस्था में फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल कुमार जुड़ गए। राहुल, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है कन्नौज से जो श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या कुछ हुआ इस दौरान? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह की है, क्योंकि सुखवाबाद के एका तो कस्बा है जहां पर कहते हैं कि श्रद्धालु जो कि अपनी जात करने जखई देवता की जात करने जाते हैं वहां, हाँ। तो वह वापस आ रहे थे कि सुबह 6:30 बजे यह निगम मंडी के पास जो कि एक नमस्ते इंडिया डेयरी के पास नियंत्रण होकर बस पलट जाती है। वहीं मौजूद सवारियों में चीख पुकार मच जाती है। वहीं आसपास के लोगों ने भागते दौड़ते पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाने में जुट गई। वहीं घायलों को आनंद फानंद में एक छिबरामऊ के सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां घायलों का उपचार जारी है। हालांकि यह घटना सुबह 6:30 बजे NH91 के पास मंडी के पास हादसा हुआ है जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर जो कि पलट गई, जिसमें लगभग 50 सवारियां सवार थीं, इसमें से 25 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को पुलिस के रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ये श्रद्धालु पूरे जो कि कन्नौज और गुरसाईगंज के थे, क्योंकि जखई की जात कर अपने घर वापस जा रहे थे। जी राहुल, क्योंकि इसमें 25 लोग घायल हुए, क्या कुछ उनकी स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, इस तरीके सभी का उपचार जारी है, जिसमें से लगभग 9 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें त्रिभुवन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि अब अगर बात करें तो श्रद्धालु की माने तो चालक नशे की हालत में था, तो नशे की हालत में होने के कारण यह हादसा हुआ है जिसमें लगभग 25 सवारियां घायल भी हुई हैं, जिनको सभी को पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची जो कि रूट को भी रोका गया था, क्योंकि वह रूट था जो बड़ा रूट था, आने जाने में लोग कई भी हादसे हो सकते थे, इसको लेकर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और घायलों को तुरंत भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें त्रिभुवन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल।